देश में जैविक उत्पादों के नाम पर अरबों का बिजनेस चल रहा है, कुछ असली और कुछ नकली। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दूसरे उत्पादों की तुलना में 3 से 4 गुना महंगे बिकते हैं। यही मुनाफा धोखाधड़ी को भी बढ़ावा देता है। कई बार सामान्य उत्पाद जैविक उत्पाद का लेवल लगाकर 3 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया जाता है। आम ग्राहक के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे वे जान सकें कि असल में जैविक उत्पाद कौन से हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ ऑर्गेनिक का लेवल देखकर ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जिस प्रोडक्ट को FSSAI का सर्टिफिकेट मिल जाता है वो असली है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मतलब कि यदि कोई फार्मर खाली नाम से ऑर्गेनिक नहीं है, उसको अपनी 3 साल तक पूरी फसल को ऑर्गेनाइज करवाना पड़ता है। पूरा फसल को ऑर्गेनिक करवाने के लिए पहली साल से सॉइल टेस्टिंग के साथ में उसको NOP NPOP के लिए प्रमाणिकता के लिए 3 साल तक हर साल उनकी प्रमाणिकता को रिन्यू करवा के 3rd साल किसान को इसकी प्रमाणिकता मिलती है। प्रमाणिकता मिलने के बाद उसके सारे प्रोडक्ट जो है वो NOP NPOP मतलब कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट होंगे। भारत में ऑर्गेनिक उत्पादों के सर्टिफिकेट की व्यवस्था नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम और नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोग्राम के तहत चिन्हित की गई है। करीब 32 एजेंसी किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट देती है। इसके लिए सामान्य तौर पर फसल उगाने से लेकर उसकी बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया की लगातार 3 साल तक जांच होती है। इसके बाद किसान को अपनी उपज का C1, C2 या C3 सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा USDA ऑर्गेनिक जैविक भारत, कॉप्लिएंट रिसर्च, नॉन GMO वेरिफाइड और RSOCA जैसे सर्टिफिकेट को भी उत्पाद के जैविक होने का आधार माना जाता है। ऑर्गेनिक हो चाहे नॉन ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, जब तक ये पैसे से मुक्त नहीं होगा तब तक इसकी शुद्धता की गारंटी आप नहीं ले सकते। हम जब भी अपने घर में अस्वस्थता देखते हैं, अपने खाने को में कुछ बीमारियां देखते हैं, स्वास्थ्य में कमी देखते हैं, तो हमारा सीधा ध्यान जाता है कि हमारा घर में आने वाला खाना उचित है कि नहीं और ऑर्गेनिक है कि नहीं, बार बार ये ध्यान जाता है। पर उसको उगाने वाला व्यक्ति जब तक विश्वसनीय नहीं है तब तक आप उसको ऑर्गेनिक या हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है ऐसा विश्वास हम कर नहीं सकते। कुछ ग्राहक ऑर्गेनिक उत्पाद के सर्टिफिकेट से ही संतुष्ट हो जाते हैं। कई उपभोक्ता ऐसे भी होते हैं तो इतने भर नहीं मानते, ऐसे में किसानों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। देखिए, मैं तो सीधे जो उपभोक्ता आते हैं उन्हें 2 प्रकार की राय देता हूं। पहला तो एक उपभोक्ता ऐसे होता है जिनको केवल प्रमाण पत्र से संतुष्टि हो जाती है, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि प्रमाण पत्र से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर मैं उन्हें जो भी अपनी सब्जियां हैं उनका टेस्ट करवाता हूं और जब वो खाते हैं तो बाकायदा वो उनके मुँह से बोलते हैं कि वास्तव में आपकी सब्जी में टेस्ट है, तो ये प्रमाणिकता साबित करती है। आहार विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनमें जैविक और सामान्य उत्पाद होने से खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गेनिक ही लें तो बेहतर है। अब जैसे बहुत सारे उपभोक्ता हैं जो 3 गुना ज्यादा दाम पे ऐसी चीजें उपयोग कर रहे हैं जिनके ऑर्गेनिक होने या नहीं होने से उनकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी पे, न्यूट्रिएंट कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिनको आपको हमेशा ऑर्गेनिक लेना चाहिए, आलू है, टमाटर है और दालें हैं, सारे अपने फ्रूट्स में एप्पल है, पेयर है, ये वाली जितनी चीज़ें हैं आप इनको ऑर्गेनिक खरीदिए, क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कीटनाशकों का यूज़ करते हैं लोग बाग फार्मर्स हमारे, तो उनको हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए। आम लोगों को जैविक उत्पादों का महत्व समझ में आने के बाद अब बड़े बड़े एग्रो मार्ट से लेकर तरह तरह के शॉपिंग मॉल में जैविक उत्पाद नजर आ रहे हैं। ये बात और है कि इसकी प्रामाणिकता को अभी भी शक की नजर से देखा जा सकता है। जैविक उत्पाद महंगा होने के कारण अभी सिर्फ पैसे वालों को ही पहुँच में है। इसे और बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि इसकी लागत कम हो सके और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आम लोगों की पहुंच में आ जाए।
सिद्धार्थ माछीवाल, ईटीवी भारत, इंदौर, मध्य प्रदेश।